अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, ये मुंबई में जोगेश्वरी के ओशेवरा मुस्लिम इलाके का एक छोटा सा कब्रिस्तान है, मुस्लिम कब्रिस्तान। ये चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ इस तरफ इसका मेन गेट है और ये सीधी तरफ से मैं कैमरा घुमाता हूँ। और ये ठीक है, ये कब्र है इस पे। और ये जो कब्र है जिसपे मैंने कैमरा लगा रखा है, ये बहुत अजीम हस्ती, बहुत बड़ी हस्ती, और कुछ वक्त पहले लॉकडाउन के ज़माने में इंतकाल फरमाए हुए मुफ्ती मौलाना सईद साहब पालमपुरी नवर अल्लाह मरकज़हू, मेरे भी उस्ताद हैं। और लाखों हमारे साथी हैं और लाखों उनके शागिर्द हैं, उन सब के उस्ताद हैं। और वो ऐसा वक्त था जब हजरत का इंतकाल हुआ था कि कोई चाह कर भी उनके जनाजे में शरीक ना हो सका, बस 10-15 साथी थे। तो हम मुंबई आए हुए थे, ये उनकी कब्र मुबारक है, इसके ऊपर कोई निशान नहीं है। हमने बहुत तलाश करने के बाद में फिर यहाँ एक मकामी साथी ने हमें बताया, तो उनसे रहबरी ली हमने, तब जाके हमें पता लगा कि ये वक्त के अल्लामा और वक्त के मुहद्दिस और मुफस्सिर बर्रसग़ीर की अजीम हस्ती नवर अल्लाह मरकज़हू की कब्र है। तो इस नीयत से वीडियो बनाई है कि उनके लाखों शागिर्द हैं, शायद किसी को ये तमन्ना हो कि कहाँ है हजरत की कब्र। हजरत की तमन्ना थी अपनी जिंदगी में, फरमाया करते थे कि मुझे जहाँ मेरी मौत आ जाए वहीं दफना दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी तमन्ना को पूरा किया, चाहत को पूरा किया। और बिल्कुल सादा, ये पन्नी देख रहे हैं आप, ये पन्नी जो इसके ऊपर कब्र के ऊपर ढकी हुई है, अभी बरसात की वजह से ढकी, वरना बिल्कुल ज्यादा ना ऊंची है और बिल्कुल सादा, ना कोई आगे पीछे निशान लग रहा है इसमें, कुछ भी नहीं है। तो सब साथी कम से कम सूरह फातिहा पढ़ के, जहां जो इनके शागिर्द हैं वो इनके लिए ईसा अलैहि सवाब फरमा दें। बतौर याददाश्त में ये वीडियो ग्रुपों में इरसाल कर रहा हूँ ताकि सारे साथियों को हजरत की याद आ जाए और कम से कम एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर या कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़कर हजरत के लिए ईसा अलैहि सवाब फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।